तो हमारे ये एक बात है जो तो मुझे सुने गए उसके बाद दो दिन ये बयान हुआ कि इसमत के मानी अदम वकूफ के हैं या अदम इम्कान के हैं। इसमत के ये मानी है कि गुनाह नहीं हुए उन्हें होते या इसमत के मानी है कि गुनाह नहीं हो सकते, तो उसका नतीजा ये निकला कि नहीं मानी तो यही है कि गुनाह नहीं हो सकते, मगर गुनाह न हो सकने का ये मतलब नहीं है कि ये गुनाह नहीं हो सकते, न कर सकना और चीज है और न हो सकना और चीज है। और उसकी तस्वीर मैंने ये की कि वो न हो सकना जो फाइल के कुव्वत की कमी का नतीजा हो वो आजिजी है, वो कुदरत की नफी है, वो इख्तियार की नफी है, लेकिन वो किसी बात का न हो सकना जो शान की बुलंदी की वजह से है कि उसकी शान ये नहीं है कि वो ऐसा करे, तो ये न हो सकना ये नफ नहीं है, कमाल है। अल्लाह की अदालत में ही किसी मानी से है कि वो शानी रुहियत की बिना पर नहीं करता, जुल्म नहीं करता, बुराई नहीं करता, यानी ये करना उसके शानी रुहियत के खिलाफ है। लिहाजा तुमसे खुदा वो खुदा है इसलिए वे कर नहीं हो सकता। वैसे ही मुझसे अंबिया मुसलीम है उन्हें भी ताकत गुना है, कुदरत गुना पर है, मगर क्योंकि उसकी तरफ के फिरदादा हैं और उसके नुमाइंदे हैं तो ये उनकी शान है उन सबके खिलाफ है। तो जैसे वो क्योंकि खुदा है इसलिए नहीं करता, उसी तरह क्योंकि ये उसके मुंतखब करता वो भी उसके नतीजा नहीं है कि ये उसके सबब से है, मगर ये कि ये नतीजा जरूर है कि ये उस शान कमाल का तकाजा है कि वो ऐसे को मुंतखब नहीं करेगा कि जो गुनहगार हो। मकामे हकीकत में तो उसका मुंतखब करना सबब नहीं है, मगर हमारे लिए सबूत इसमत का जरिया है कि हम उसी से समझते हैं कि वो मासूम है कि खुदा ने उसे मुंतखब किया है। तो ये मासूम होना उसके उस जान कमाल का तकाजा है जिसकी बिना पर के अल्लाह ने उसको मंसब के लिए मुंतखब किया। ये दो दिन के बयान का ये मार्ग है, उसके बाद कल से उसकी शुरू हुई है कि फिरिश्तों की इस्मत में और उनकी इस्मत में क्या फर्क है। तो मैंने किया कि कल के बयान में फिरिश्तों की भी इस्मत तैयारी है, बिन इरादा वो गुनाहों को दर्ज करते हैं और इंसान की भी इस्मत वो जो मालूम है उनकी इस्मत तैयारी है, वो भी बिन इरादा दर्ज करते हैं, ये भी बिन इरादा करते हैं।
उसकी भी बेगुनाही ऐसी नहीं है जैसे पत्थरों की बेगुनाही, दरख्तों की बेगुनाही, जानवरों की बेगुनाही। उनने कुदरत ना है टूर बेगुना टूर कुदरत के ऊपर मबनी है ना इलाज तो वो उन्होंने ले आजा इसलिए है बेगुना। लेकिन ये बेगुनाही को काबिल तारीफ की तो ये तो फिरस्तों की बेगुनाही तरह की नहीं है वो भी मिले राजा बेगुना है दिल इख्तियार बेगुना है और इंसान भी मगर अब फिर क्या फर्क है उनके मासूम होने में और अंबिया और सलीम के मासूम होने में। तो उसके लिए मैंने ये अर्थ किया कि बेशक बिन इरादा वो गुनाह नहीं करते मगर उनमें वो जज्बात में ही जो गुनाह कराते मुहर्रिकात गुनाह उनमें तबान मौजूद नहीं है लिहाजा उनको गुनाहों से परहेज के इरादे में किसी ताकत का मुकाबला नहीं करना पड़ता किसी तकाजे से टकराना नहीं पड़ता। तो उनकी बेगुनाही में जिहाद नफ्स शामिल नहीं है यानी वो नफ्सी नहीं है जिसके तकाजों से मुकाबला करके जिहाद में नफ्स हो लिहाजा वो मासूम है। तो आप बेशक उनकी इज्जत काबिले तारीफ कन्या ने समझ जी रियाज कर रहे हैं शुरू के कुरान ने भी तारीफ की अमीर उमीन अलैहिस्सलाम ने बास्मत का मिला उनकी इसमत की तारीफ की है। मैं कहने की बेला करके दे सके नहीं वो खुद का खुदबे का वजूद जिसमें फैसलों की तारीफ हजरत ने फरमाई है। तो बेशक काबिल तारीफ मखलूक का भी गुनाह नहीं करती मगर उस एतबार से के इस एतबार से नहीं के इरादा नहीं है वो पहले ही मैं नहीं कर सकता मगर फिर भी ये कि रुकावट कोई नहीं है कोई ताकत नहीं है जिससे मुकाबला करके ये कोई मुश्किल बात हो उनके लिए। तो इस बिना पर मैं कहता हूँ वही इसकी मखलूक किसी को सताती है फिर उनकी तारीफ न करना जुलम है बहुत अच्छी मखलूक किसी को आधार नहीं पहुंचाती बड़ी अच्छी मखलूक किसी की निगत नहीं करती बड़ी अच्छी मखलूक फसाद नहीं पैदा करती बड़ी अच्छी मखलूक किसी दूसरे को इजाजतानी नहीं करती जरूर नहीं करती। तो जितनी तारीफ कीजिए उनकी जिन भर तारीफ कीजिए बड़ी अच्छी मखलूक बड़ी अच्छी मखलूक मगर ये उनके बहुत अच्छा होना ये हमारी सब तारीफ है। ये ऐसी है जैसे सूरज के चमकने की तारीफ फूलों के महकने की तारीफ सरसों के लहकने की तारीफ आपका बड़ा ऊंचा है मगर चौथे चारों पर अटक गया इसलिए ऊंचा है। मुख्तसर लफ्जों में मैं ये अर्ज करता हूं कि उनमें सिफत है काबिले मजा लेकिन कारनामा नहीं है काबिले शुक्रगुजारी।
कर सकते। ये बड़ा एहसान है उनका के मासूम रहते हैं, बड़ा एहसान है उनका के सताते नहीं हमें, बड़ा एहसान है उनका के हमें अजियत नहीं पहुंचाते। जनाब उनको अजियत पहुंचाने का कोई मुहर्रिक ही नहीं है, अजियत पहुंचाने के लिए खाई उनमें पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए कि वो हर चीज अगर मुतकाजी करो उसका नाम मुक्तदी ना हो, उसका असर पैदा ही नहीं हो सकता, आदमी ना हो तो जलाएगी क्या। तो मैं कहूं कि पानी का बड़ा कामनामा है तो नहीं जलाता, उसमें जलाने की ताकत नहीं है, उसमें तो बुझाने की ताकत है। तो ये न उसका न जलाना का नामा है, न उसका हाथ को मिटा देना का नामा है। तबीयत ही ऐसी है, वैसे ही फिरते मासूम है, मगर ये कि वो तो काजे नहीं है। हमने जो किसी का माल का कुछ कराए वो तकाजे नहीं है, जो किसी को मुहर्रिक हो घर लूटने के वो तकाजे हमने नहीं है, जो चोरी करने का बायस हो तो इन सब गुनाहों से हो रही है, मगर उन्हें कोई वजह नहीं है ये सब बातें करने की। तो इतना पर मासूम है, कारनामा नहीं है। जैसे हैवानात, अरे हैवानात बहुत बड़े गुनाह में कबीरा करता है, जनाब दूसरों बिना इजाजत के गैर बाघों में दाखिल होता है, सबसे को चढ़ जाता है, फलों को खा जाता है, उसे इतने भेद नहीं कि मालिक रहती है या नाराज, मगर ये कि वो बेचारा क्या करे कि उसे पेट भरने का तरीका यही मालूम है। पूरे हलाल व हराम है ही नहीं, तमीज़ हक को दाखिल है ही नहीं। तो वो ये सब करता है, बुरे से बुरे काम करता है, मगर ये कि उसमें वो अपने शोर नहीं है कि वो इन बातों की बुराई को बचा सके, लिहाजा वो ये सब बुराई ना करता है। नतीजा ये है कि मजम्मत बेशक होगी, बड़ा बुरा जानवर है बिच्छू, बड़ा बुरा है कि डंक मार देता है, कहां बड़ा बुरा है कि काट लेता है, हलाक कर देता है, मजम्मत होगी मलामत नहीं होगी। ये कहेंगे कि बड़ा बुरा जानवर है कि ये इसमें सिफत है, लेकिन ये तो नहीं कर सकते कि क्यों डंक मारते, वो क्यों बचता है, क्योंकि ये सब चीजें उसमें कोई बात है नहीं कि जो उसको रोके इन बातों से, अपने शुरू नहीं है। इंसान अगर अपने शुरू रखते हुए फिर भी मेहरबानी करे तो ये उस अकरब से बचता है। ये अगर शुरूर हक को बातें रखते हुए फिर भी माले रैस का कब्जा करे तो ये उस जानवर से बदतर है। वो हैवान कुछ चरिंदा और कुछ चरिंदा है, एक और मौसम में क्या करता हूं तो वो चरिंदा जानवर जो है जिसका बाहर मिल जाए सिर्फ है। मैंने कहा तो उनको खबर नहीं थी माले गैर है,
रामों की किताब है चंद्रमा दस अरे की उसमें है कि किसी ने बिच्छू को देखा कि वो पत्थर पदक मार रहा है अचार में वो ऐसा है तो उसने कहा कि अरे ये तेरा दर नरम है और ये पत्थर सख्त है इसका क्या नुकसान होगा तेरे दर मारने से। तो उसने कहा मुझे इससे मतलब ही नहीं कि नुकसान होगा या नहीं, मैं तो साबित कर रहा हूँ कि मैं बिच्छू हूँ। इंसान ये समझते हुए खेल को इज्जत होगी, ये समझते हुए खेल का क्या नुकसान होगा मेरे नए धनी से, फिर भी वो बिच्छू की सिफत इख्तियार करता है, तो इसलिए ये मौलिद मलामत भी है, मौलिद सजा भी है, और इसीलिए कयामत कारगा है, कयामत पूरी जानवरों को बहावों को दरख्तों को सजा देने के लिए नहीं है, ये सब इंसानों के लिए है। देखे दोजा है मगर दोजा ये इंसानों के लिए है, काफिरों के लिए गुनहगारों के लिए जो इंसाफ हैं जो वहां दे दी जाए उनके वास्ते, जानवरों के लिए वो दोजा नहीं है। उसी तरह से बड़ी ऊंची मखलूक उनके ऊंचे होने में क्या था, जवार के बचने वाले अर्थ आला के आसपास रहने वाले तो उनकी बुलंदी में कोई दस नहीं, मगर जो थे अपने पैरों से इख्तियारन धोने बुलंद हुए हैं, वो बुलंद रखे गए हैं इसलिए बुलंद है, मकानी तौर पर उनको पैदा नहीं किया गया, तो इसी तरह से वो बेगुनाह है, मगर बेगुनाही इसलिए है कि मुहर्रिका के गुनाह नहीं है, इसलिए जैसे उन्होंने कहा था मैंने के दोजा जानवरों के लिए नहीं खल्क हुआ है, वैसे इधर कहता हूं कि दिल फिरिश्तों के लिए खल्क नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूं कि फिरिश्ते देश में जाएंगे नहीं, जीव कारिंदे हैं खुदा से कारखाने कुदरत के कारिंदे हैं, तो वो हजार दफा देश में जाए और हजार दफा देश में जाएंगे, मुमकिन है कि दरख्त बहिश्त के उन्होंने लगाए हूं, मुमकिन है नहर बहिश्त की उन्होंने बनाई हूं, मुमकिन है कि नहरों को पानी के जो निश्चित गुलाब वगैरह का है उन्होंने भरा हो, मुमकिन है कि वहां के कचरों के मेहमान वही हो, तो वो लाख जगह बहिश्त में दाखिल हुए होंगे, मगर याद रखिए कारिंदे की हैसियत से किसी मकान में जाना और है और मालिक की हैसियत से जाना और, बड़ी अच्छी
मसलूफन, मगर ये उनके का उनका कोई कारनामा नहीं है। मगर इंसान तकाजाए गुनाह तबीयत में होते हुए, मुहर्रिका के गुनाह रखते हुए, जज्बा के नफ्स को रखते हुए, फिर भी उन जज्बात से बड़ी है। इसलिए इसकी इस्मत इस्मत मलक से बाला कर है, और इसीलिए मेरे नजदीक रस्ता कहना इन हस्तियों की कमीन है। इनका कमाल यही है कि फिरस्ते कबाल न होने के बावजूद अमल इन फिरस्ता है। फिरस्ते तो इनके खादिम होने के लायक हैं, तो आप उन्हें लकब मजान में फिरस्ता कह दीजिए कि वो आदमी कहाँ हो तो फिरस्ते हैं। इसके मानी है कि आपने उनकी मंजिल से गिरा कर उनको उनके खादिमों की मंजिल में, तो उनकी मंजिल यही है कि जिहाद है ना, और यही राज है जिसे मलक जैसे नहीं समझाता कि जब आचार्य मंथब का ऐलान हुआ कि इन्नी जाएलन उधर हुए खलीफा, मैं जमीन में जानशीन मुकर्रर करना चाहता हूँ, तो कुछ लोग तो कहते हैं एतराज किया, मगर मलक की मंजिल है इसमत फितरी के दर्जे पर पाए, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि एतराज किया, मैं ये कहूंगा कि मुताज्जिबाना सवाल किया। उनका जिबाना सवाल ये किया कि अगर अलग दिया मैं युक्त लोग दिया वे शुक्र दिमा आवाना है नो सब जो हो बहन जी का मध्य से लक क्या उन्हें मुकर्र किया जाएगा जो जमीन में फसाद भी कृपा करते हो और उमरेटी भी करते हो, और हमें नहीं कि जो हम तेरी तस्वीर और तफरीज बस करते हैं। तो एतराज की लफ्ज को मैंने मंजूर नहीं किया, मैंने कहा मुताज्जिबाना सवाल किया, और ये सवाल इसलिए काबिल एतराज नहीं कि मलाइका बारगाह कुद्स के तालिबे इल्म है, हर तालिबे इल्म को हक है कि जो बात न समझ में आए उसे उस्ताद से पूछे। तो बहरहाल उनके हुजूर इल्म से बाला तरतीज है, इसलिए वो खालिक से सवाल कर रहे हैं, दरियाफ्त कर रहे हैं, और उन्होंने काम क्या किया, कौन जुद है उनके कलाम में जो वाकई के खिलाफ हो। इंसान क्या दुनिया में फसाद नहीं करता, इंसान क्या खुंगेजी नहीं करता, उसका कौन इनकार कर सकता है। फिरस्ते क्या तस्वीर नहीं करते, तहदीस नहीं करते, इसका कौन इनकार कर सकता है। कलाम का हर जुज मुताबिक वाक़े है, नतीजा मलक ने नहीं निकाला है कि फिर हम ज्यादा मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये नतीजा होता गलत, इसे साजा लाओ इंसानों को छोड़ा है कि वो यही नतीजा निकालेंगे। तो हुजूर सवाल है, और मैंने कहा तालिबे इल्म का सवाल है, मगर खालिक क्या फरमाता कि इन्नी आलम माला तालम, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। माशाल्लाह मजमे में तालिबे इल्म भी है और उस्ताद भी है, और कौन उस्ताद है जो कभी तालिबे इल्म न रहा हो। तो मैं कहता हूं कि ये कोई जवाब हुआ, अरे जनाब आपके क्लास में आपका तालिबे इल्म ये पूछे कि जनाब ये क्यों है, और अरे क्यों मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, तो कहेगा इसी से तो पूछ रहे हैं।
जानते होते जो आप जानते हैं तो पूछते ही क्या? तो कालगुरु से सवाल का जो जवाब तुम्हें वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, ये सवाल का ठुकराना कहा जा सकता है? मगर सवाल का जवाब कैसे किसी रोक से नहीं कह सकते। आलम के बाद में जवाब देगा, समझाएगा। तो मैं कहता हूं कि जो जवाब बाद में देना है वो अभी बता दे। मगर यू तो खालिद की बातें खालिद ही जाने, मगर जो मेरी समझ में आता है वो ये कि तुम कहता है मनसब का मामला था, अगर अभी मैं वजूह बताने लगता तो सूर्य के सूर्य कायम हो जाती। लिहाजा इस वक्त जो सवाल किया उसका जवाब ये दिया कि मैं तो जानता हूं जो तुम ही जानते, इसका मतलब मेरी जबान नहीं है कि मनसब मेरा मुकर्रर करना मेरा काम तुम ना। बस अब ये मलक की किस्मत है कि फौरन वो खामोश हो गया, आपने गलेदान नहीं डाला। यहाँ अल्लाह का मनसब है हमें क्या आप उसमें दखल देने का? बस अगर मेरा ऐसा नाकिस इंसान वहां होता तो जम जाता तो बगैर समझे हटेंगे नहीं। अब जो उसके मासूम होने का तकाजा था, मगर इसके मारे ये तो नहीं है कि वो वाकई बात समझ गया, उसके सवाल का जवाब हो गया। खालिद भी जानता है कि हाँ जवाब आज मैंने नहीं लिया, और इसलिए अब जब महल हुआ जल्दी उठे उठ के जैसे वक्त के निकलने का अंदेशा हो। इस वक्त मुनासिब नहीं था जवाब देना, मगर वो सवाल मलक को बेजवाब रहने थे ये भी नहीं हो सकता। इसलिए जब आदम इंसान कामिल की शक्ल में सामने आ गए, रूह उग गई, अब वो तमाम ताकतें इंसानियत की उनमें बेजार हो गई, तो अब इंतजाम किया गया उस दिन के सवाल के जवाब का, और वो इम्तिहान फिरस्तों का और इंसान का हिला दुला वो लिया गया। और वो पुराने मजीद में जब जयमा कुल्लाहा फकाल देवनी बेस्माए हाउलाए इन कुल कुल साजतेन काल युसुफा ने कला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आदम को खालिक ने वो सब नाम सिखाए, वो सब नाम जो मैं तर्जुमा करूँ उसका दिन लगा। लोग कहते हैं कि कीड़ों के भी नाम और मकोलों के भी नाम, और तो कोई परहंगे लोग सिखाना नहीं थी। तो अलीसा मेरे नजदीक अहद का है, तो अब तर्जुमा यही है जो मैंने किया कि आदम को वो सब नाम सिखाए। तुम मैं अरब हूं अलल मलाइका। अब क्या किया जाए बड़े बड़े साहिब मुफस्सिरीन, मगर यहाँ मसलहत यही है कि लफ्जों के मानी से बेखबर हो जाए। यहाँ मसलहत यही है कि अरबी से अपनी नाराकफियत जाहिर करें, लिहाजा फिर तर्जुमा करेंगे कि वो नाम पेश किए। तशरी में भी यही कह के गुजर जाएंगे कि वो नाम पेश किए गए, पूछे कि ये नाम बताओ। तो अरबी के एक तकाजे से मैं वापस हूँ, इतने बहुत पड़े उलमा वापस नहीं कि वहां ये नहीं कहा गया है मलाइका उन नामों को पेश किया गया जिन्हें हरजहुम यहून साहिबान अक्ल की जमीर है। उसका तर्जुमा वो लोग हुए
अब देखिए नाम बताए और फिर बोलो फैस किए, ये लफ्जी का जुमा है कुरान का, जिसके बड़े साहिबा ने मतलहतन बेखबर है। तो अरे बहुम बगैर तकरीह तकदीर लफ्जी का जुमा है कि अरे बहुम उन लोगों को मलाइका से के सामने पेश किया गया। देखिए मजबूरी है कि यहाँ ये लुगत के नाकिल बन जाए, क्योंकि अगर ये तर्जुमा करें कि उन लोगों को पेश किया तो फौरन सवाल होगा कि वो लोग कौन थे। अब अगर उन लोगों का बताना मसलहत नहीं है तो यहाँ अपनी जहालत का सबूत देना मसलहत है, उनके मानी नहीं मालूम हमें। अरे हम उन लोगों को मलाइका के सामने पेश किया और काला क्या कहा, अब तो वो अरबी भी मुझे मालूम है, वो नाम पूछ लिए जो होता तो होता के अंदेमी बेहादरे लक्ष्मा और नाम पेश किए कहा ये नाम बताओ, और फिर ये अजीब मामला होता है कि पेश भी कर दिए और फिर पूछे भी जा रहे हैं बताओ, और जब पेश भी कर दिए वो नाम तो अब उनका पूछ करा। मगर यहाँ बेअकल बनना भी गवारा, नाराज से लोट बनना भी गवारा, मगर हकीकत कुशाई गवारा नहीं। पर्दा कुशाई हकीकत से वो काबिल दर्जा थी। तो अब उन्होंने वाला इनको हमें बताओ ये क्या, ये ना जी और आज यही कह रहा है कि अंदरूनी बिहाजरे लक्ष्मा ये ना मुझे बताओ, कुरान कह रहा है उस रूप में दिखाई या मैं कुछ लोगों को दिखाया और अंदरूनी बेअस्माए हाउला इन लोगों के नाम मुझे बताओ, इनके नाम अपना मुदाफ हाउलाए मुदाफ लाए और फिर हाउलाए साहिबा ने अपनी की जगह दिखाया, जैसे हम जमीन है साहिबा ने अकल की वैसे हाउलाए इसमें इशारा है साहिबा ने अकल के लिए। तो अंदरूनी बेअस्माए हाउलाए मुझे इन लोगों के नाम बताओ। तो अब दुनिया के लिए मामा बन गए, अपनी जगह तो जानते ही हैं कि लफ्जों का कुरान में क्या कहते हैं, मगर बाबा मोहम्मद के वो लोग क्या है। अब ये कहने से कि नाम देखती हो क्या, ये नाम बताओ, अब एक अपनी सवाल तालिब इल्मों के करने का आ गया कि वो तालिब इल्म अब अपनी सवाल अगले लाइन के खिलाफ पेश करते हैं, क्या कहते हैं जनाब अगर इम्तिहान में ऐसा हो कि उसका साथ एक तो बता दें और फिर तालिब इल्मों को सबको मिला के पूछे बताओ तो फिर जिसको बताया था वो कौन परफर सुना दे लो और जिन्हें नहीं बताया था वो बेचारा कहेगा हमें क्या मालूम, तो वो कहेगा देखा ये माल जीत गया तुम हार गए, तो क्या कहूं अल्लाह की बारगाह की बात अब नहीं है, हम
उस्तादों के यहाँ की बात है कि कोई उस्ताद ये करे तो शादी की इम्तिहान हो जाएगा। तो ये हम किसी उस्ताद की शान के खिलाफ होगा के जाए के खुदा कुद्दूस जो तमाम नकायद के जरिए वो इश्तहारा का इम्तिहान दे कि चुपके से आदम को तो बता दिए और फिर नुमाइशी तौर पर इम्तिहान में बुला लिया फरिश्तों को भी और उसके बाद उनसे पूछा और अगर ये सूरत हाल है तो मलक का जवाब कितना चुभता हुआ है कि मलक ने कहा कि ला इल्मा इल्ला मा 'अल्लमतना तो रोजगार हम तो बस वो जानते हैं जो तूने हमें सिखाया है। अब इसके माने ये है तूने फालतू में कैसे सिखा दिया है तो वो बोला कि कर रहे हैं उस्ताद को कि हमें नहीं सिखा दिया होता तो हम भी बता देते। मगर ये सब अल्लाह के मन किरदार पर धब्बे आए इन अपराध के मकसद परस्ती से कि उस तर्जुमे को करना नहीं चाहा जो वाकई इन्फाक का तर्जुमा है, उस मतलब को समझाना नहीं चाहा जो कुरान मजीद के उस अल्फाज से साबित होता है। अरे चाहे ये कह देते कि हमें नहीं मालूम कि वो लोग कौन थे तो मुझे जल्दी होती मैं बताने के लिए तैयार होता अगर मुझे मालूम होता। मगर जो लड़कों के मानी थे उनको तो बरकरार रखा होता। तो अब इस तरह में कुरानी की बिना पर सूरत हाल और अब उस सूरत में एक और दान देखिए कि नाम दिखाए और फिर नाम पूछ रहा उन्हें नहीं मालूम थे इन्हें मालूम थे यानी हाफिजे का इम्तिहान। अगर बताए हो तो हाफिजे या पढ़ेंगे लोग है उसका इम्तिहान है तो ये नाम नहीं बस ये बता देंगे वो नहीं बता सकेंगे उन्हें विचारों को इतना लुगत मालूम नहीं। तो आदम और मलाइका का मुकाबला और उसमें पढ़ेंगे लुगत का इम्तिहान। तो अब अल्फाज कुरानी को अगर सही महल पर रखा होता तो जो नौजो समझ में आती है उसमें न वो अगली सवाल होता न दामन अखलाक इलाही पर बेइंसाफी का इल्जाम आता न वो इम्तिहान के तहारत और पाकीर्गी पर फल पाता कि वो साजिशी साबित हो जाए। ये कुछ न होता अगर अल्फाज अपने मन पर सही तर्जुमे के साथ करते रहते। अब जो सूरत हाल है वो कि कोई सबूत तर्जुमे कुरान का नहीं कि आदम को मलाइका के पास से हटाकर तन्हाई में अल्लाह सुभानहु ले गया हो। अब मैं तो लामकान समझता हूं इसलिए मैं कोई तन्हाई रहती तो तस्वीर ही नहीं कर सकता कि जहां वो बस हो और कोई ना हो। तो जनाब अलग ले गया हो फिर और चुपके से बताए हो कि मलाइका को खबर न हो ताकि वो इम्तिहान देकर मैं जवाब उस दिन का दे सकूं। तो ये कोई लफ्ज ऐसी नहीं कि मालूम हो कि छुपा के फिरस्तों से छुपा के बताया सिर्रन नहीं है कि अल्लमहु सिर्रन उन्हें मख्फी तौर से सिखा। तो अब जो मैं अर्ज कर रहा हूं अब जिनके नाम हो अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको भी हम नहीं मालूम पलवा दीजिए बोले ना
काकू रंगी अच्छी था
वो मुतलबी का बंधु है जिनमें उसका नाम लाबू था के जो मुकम्मल काल में काम लिया
इसको मुसम्मा के मुताबिक किया और ये बताया कि ये इसका नाम, ये इसका नाम, ये इसका नाम। अब अल्लाह ने अपनी फतह का ऐलान किया कि आलम अब्दुल अजम क्या मैंने भी कहा था कि जब मैं जानता हूँ वे तुम नहीं जानते पलवाने की वजह ना। फिर मैंने आवाज से पाला जब न इम्तिहान गैर मुंसिफाना है और न अल्फाज के मानी मुमताज तशरीह से हैं, मगर अब तू सच्चियां मानना पड़ेंगी कि अब फकत रसूल की जात अव्वल मखलूक नहीं है बल्कि इस एक में कुछ बहुत से मुजमर हैं जिसकी वजह से खालिक ये लोग कहला पलरा ले लिए वे ला। वरना जैसे रहे थी टूट तो वो ये लोग नहीं कह सकता, वैसे ही एक नुकते वहीद को लोग नहीं कह सकता। तो मानना पड़ेगा कि जो एक अव्वल मखलूक है वो एक नहीं है, उसके अंदर कुछ और है। अब वो जितने बरामद हों वो सब उसके अच्छा होंगे, उस कुल का जुल होंगे जो बाद में पहले रह जाए तो 5 हो, 12 हो, 14 हो जाए और आगे लिए बोलेगा। फिर मेरा नाम आज बोला और मैं नहीं एकता गई एक पहलू और बस उसके बाद आगे बहूंगा। ऐसे इसके मानिए हैं कि वो हस्तियां ऐसी हैं कि उन हस्तियों की मारिफत फौकियत इंसान का सबूत बनी है, यानी वो ऐसे बशर थे कि फजीलत इंसान और बशर के इम्तिहान में उनकी सूरतें परचय इम्तिहान बन सकी कि इनको पहचानो तो गोया रफा के बशरी के मालिक हो और अगर इन्हें नहीं जानते तो इसके मानी है कि जैसे बहुत से इंसान नुमा है वैसे ही तुम भी इंसान हो, वैसे किरदार में बहुत से ऐसे हैं जो सहवानात के बदतर हैं, वैसे ही सब कुछ जाना तो उन्हीं को न जाना। जिनकी मारिफत दलील फौकियत बशर होगी पौला दीजिए बदलना। फिर बने आवाज से बोला मालूम हुआ कि ये उस दिन के सवाल का जवाब हुआ और मलक फिर लाजवाब हुआ, खामोश हुआ। उस दिन भी बेचारा खामोश हो गया था, मगर मैं कहता हूं जो उस दिन चुप हुआ था अदब से और हाथ चुप हुआ समझ से। पता चला कि हाँ इसको मंत्र मिला है तो मिला वजह नहीं है, इसमें जौहर वो है जो मुझमें नहीं, मगर वो तो मलक था मासूम जो चुप हो गया और अब मैं एक नाफिस दर्जे का इंसान हूं, मैं भी चुप होता, मैं अब मलक का वकील हुआ जाता हूं और वो विकालत माशाल्लाह मजमे में वकील भी होंगे। तो वो विकालत ये है, एक विकालत हमारे यहां भी होती है, लतीफा यहां कि एक बहुत तरक्की याफ्ता खातून के निकाह पढ़ने में गया तो हमारे यहाँ एक नसीम साहब बैरिस्टर थे, उनके बेटे वसीम साहब थे, वो भी बहुत बड़े वकील थे, फिर वो जस्टिस भी हो गए थे। तो मैंने उन मोहतरमा से
दरियाफ्त कर किया कि आप मुझे वकील करती हैं कि मैं आपका उद्धव हूं, तो उन्होंने कहा मेरे वकील वसीम साहब हैं। तो साहब उसका वकील तो बहुत हुआ करता हूँ, निकाह में आता हूँ, लेकिन अभी तो अब मैं उसी मानी का वकील हुआ जाता हूँ जो वसीम साहब थे, और कृष्ण का वकील होता हूँ मैं, बेचारे निकाह वकील काम होते हैं, तो अब उसका वकील मैं हुआ जाता हूँ। मैं कहता हूँ सवाल मलक में दोनों पहलू किरदार से मुताल्लिक थे, बता दो अंग्रेजी भी किरदार से मुताल्लिक थी और तस्वीर और तब्दील भी किरदार से मुताल्लिक थी। ये आज के इम्तिहान में जो हुआ इंद्र ने बदली साबित हुई, किरदार की मंजिल में तो कोई बात ऐसी सामने नहीं आई कि मलक इकरार करे कि जिस मंजिल में वो है उस मंजिल में हम नहीं हैं। तो अब इस तस्करे को तो मैं यही इसी एक्ट्रे में दो दिन कर चुका हूं, मगर इस वक्त ये पहलू है कि जिसे पेश करना है कि हुजूर मेरे नजदीक तो जवाब अभी नहीं मुकम्मल हुआ, इनने वलन भी साबित हुई, सवाल मलक किरदार से मुताल्लुक था, बिलवास्ता हम नतीजा निकालेंगे कि जो इल्म में सही इल्म में बुलंद हो वो फिर अमल में भी बुलंद होगा, मगर वो मंजिल की बात है, अभी अरस्तु का पैदा हुआ है। तो मलक के सवाल में अमल से ऐसा है पहलू थे और इस वक्त इल्म में बुलंदी हुई, तो मैं कहता हूं जैसे खालिद जानता था और मैंने किया कि अगर जानता ना होता कि जवाब नहीं हुआ तो फिर बाद में जवाब का इंतजाम क्यों करता, वैसे ही मैं कहता हूं कि खालिद करीम भी जानता है कि हाँ पूरा जवाब आज नहीं हुआ है, इल्म में बुलंदी इस वक्त साबित हुई है और मलक से इकरार ले लिया है, मगर अमल का पहलू इस वक्त सामने नहीं आया है, तो खालिद गांधी ये जवाब तो फौरन दे दिया गया था, अल्लाह जाने हजारों वर्ष की मुसाफत थी जिसके बाद ये जवाब दे दिया, तो खालिद जानता है कि जवाब नहीं मुकम्मल हुआ, इसलिए वो कहता है कि आज आदम के जरिए इल्म की बुलंदी साबित हो गई, अब तो सही है फखरे आदम को आने दो, तब इल्म में भी मलक से अमल में भी मलक से इकरार ले लिया जाए कि जो ये कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता, और उस जवाब की तकनीक से मैं हिजरत की, जब एक फखर इंसानियत रसूल के बिस्तर पर रसूल बना हुआ लेटा था और खुद बाद में कहा है सच गाये थे कि तो रहा था, मगर खालिद देख रहा था और उस वक्त उसने फेरिश्तों को मुतवज्जे किया, उसे तो निकल गया सच को फेरिश्तों को मुतवज्जे किया और ये कहा ऐलान किया कि तुमको हमने भाई भाई बनाया और तुम में से कौन है जो अपनी पागल उम्र का हिस्सा दूसरे भाई को दे दे, अब ये इल्म वाली बात तो नहीं है, ये अमल वाली बात है, यह किरदार से मुताल्लिक शोभा है कि ये तुम कर सकते हो या नहीं, और मैंने अब किया कि मलक ने मासूमन ने जवाब दिया कि नहीं हमारी तमन्ना है कि पूरी उम्र तेरी तस्वीरों का बीच में गुजारू गुजारे, इसे मुतमलन तो कहा था इस वक्त उस पहलू को साफ कर लू कि ये मलक का तस्वूर इबादत इंफिरादी है, वो बस रुकू को इबादत समझता है, वो बस सज्जे को इबादत समझता है, वो बस कयामों को तस्वीरों का बीच पर इबादत समझता है, इसी को वहां में भी किया था
कि हम तेरी तस्वीर को पेश करते हैं, इसी इबादत को यह इबादत समझता है। अब यीशु कालक से पूछने थे कि दूसरी उम्र अपनी उम्र फाजिल दूसरे को दे दो, वही उसका नजरिया कार फरमा है इंफरादी इबादत वाला, कि हमारी तमन्ना है कि तेरी इबादत करें। इसका मतलब यह है कि यानी दूसरे को उम्र का देना वो मुनासिब इबादत समझता है। जवाब तो वो माने नहीं होंगे, यानी दूसरे की उम्र दे दें तो इबादत से महरूम हो जाए। और अब अल्लाह ने जो कहा कि जमीन की तरफ देखो, अब समझ में आया कि मेरी कोई इबादत ऐसी है जो मेरे इंफिरादी इबादत से बाला कर है। और अब वो समझा कि वो इबादत मैं नहीं कर सकता, तो अब अमल की मंजिल में साबित हुआ कि जो इंसान कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। इल्म में बुलंदी आदम से साबित हुई थी, अमल में बुलंदी फख्र आदम से साबित। फिर और जैसा आज तक था कि नजरिए मदद में मुस्तकिल कर्म नहीं हो गई, वो समझा कि हाँ दूसरे के काम आना भी इबादत है, और इसलिए उसी वक्त आ गया कि जाओ जमीन पर इसकी हिफाजत करो। अब नहीं कहा तो इसने इबादत छो मैं समझा नहीं, ये भी इबादत है, लिहाजा मेरा उधर आ गया। और हमेशा तस्वीरों का फीस उसकी करता था, इसकी तारीफ से करने लगा, सबको लगा के लिए लगा। फिदाकारी की मंजिल मालूमा की ये वो है जो इबादत है मलक से बाला कर। और इस वक्त ये अली हैं जो बिस्तर पर रसूल की सोकर फिदाकारी की मंजिल को अंजाम दे रहे हैं। वो दुनिया जो कपट तलवार के लिहाज को लिहाज समझती है वो इस पहलू पर गौर करे कि कितने मारे के सर की है तलवार से बदर का जिहाज, उहद का जिहाज, हंदक का जिहाज, कैबर का जिहाज, मगर उन जिहाजों में भी वक्त मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ने पकड़ दिया। लेकिन ये जिहाद आमोश, ये जो बिस्तर रसूल पर शोर से जिहाद था, ये सुकून का जिहाद, ये सुकून का जिहाद, ये इतना ऊंचा था कि खालिक फख्र कर रहा था। और फिर इसका पर उसे दलील वकीयत बटर बना रहा कि देखो ऐसे जीव से दुनिया जिहाद खामोश की कीमत नहीं समझती है, इसलिए कहती है कि वो भला जो पाते हैं खैबर हो वो चुप रहे। मैं कहता हूं कि रहने के जिहाद की कीमत समझिए, ये खुदा की कसम मैं कहता हूं कि हजरत इमाम हुसैन सलाम को दुनिया ने सिर्फ एक दिन के कारनामे से पहचाना है, और समझती है कि हुसैन नाम बस वो संस्कृत के जत मुहर्रम वाली फर्ज का है। मैं कहता हूं कि वो 57
बरस की उम्र करीब थी तो 57 बरस में हर दिन उठाए। क्या वो बस एक ही दिन उठाए थे? वो एक दिन कम 57 बरस की उम्र। शक्तियत तो सब नहीं वही थी, तो हर लम्हा उनका जिहाद था, हर वक्त उनका जिहाद था। और मैं समझता कि कौन वक्त उनके जिहाद का अफजल था, वो बस अंदाज ही जानता है कि कौन दिन उनका उसकी नजर में वो जिहाद था। अब हमने जो आकर का जिहाद है, अब उसके पहलू हमारे सामने, और इसलिए इस जिहाद के जो मुनफरिद खुसूसियत है वो ये नहीं है कि तलवार लेके, अगर इसे अपना बाबा कारनामा समझता जो तलवार के जहाज है, तो याद रखिए कि खैर में बड़े रुकूर सफत करते हैं। जो अस्करनामा के बारे में बताए गए नगर ये यहां दिमाग के तकाजों का मुतालबा बताए नहीं रहता। मैं कहता हूं उसूल है कि खैर की तरफ सफत कामे का प्राप्त करते हैं। कुरान और आयत साधकों में बोलूं तो अगर तलवार वाला जिहाद अफजल नुक्ते जिहाद होता तो मौला की बुलंदी इसमें थी कि सबसे पहले मैदान में जाएं और सबसे पहले उस जिहाद को अंजाम दें। मगर उस जिहाद की मंजिल उसमें हुसैन पीछे रहे, और दूसरे आगे हो जाए। अब मेरे कहने के बाद और चीजें कि आपका जमीर ईमानी इसे सही समझता है, इसके मानिए कि जो पहले गए वो अफजल हो गए, जो बाद में रहा वो गोया पीछे रहा। तो अब तो मेरे कहने के बाद आपके में से किसी का भी हम मिल रहा जमीर इससे मुत्तफिक नहीं हो सकता। तो अब समझ में आया तो तलवार लेकर लिहाज ही लिहाज अफजल नहीं है बल्कि कुछ और बातें हैं, वो ऐसी होती हैं जो इस लिहाज से बाला कर रहे। और मैं तो समझता हूं कि मौला के लिए बड़ा आसान था कि सबसे पहले जाते मैदान में और सबसे पहले अपनी कुर्बानी पेश कर देते। उस वक्त तो वो फिर मैं उस वक्त भी शहीद मानता, मगर मंदिर कुर्बानी में वो यह अपने जकरिया के आगे ना होते। यहया ने भी राय हक में सर कलम करा लिया था, इन्होंने भी राय हक में सर कलम करा लिया, तो इनकी मंदिर कुर्बानी यहया जनाब यहया से आगे ना होती। तो मौला का कारनामा ये नहीं है कि जान दे दी राय खुदा, मौला का कारनामा ये है कि जब तक एक भी रहा खुद जान नहीं थी। इसको चाहे मसायद में मेरी जबान से किसी और से सुना ही नहीं, मेरी जबान से सुन चुके होंगे मुमकिन है बहुत दफा कि करबला में मरना उतना मुश्किल न था जितना जीना मुश्किल था। अरे तब एक तरफ आतंकी की मुझे जहां तापी से पानी बंद हो, अरब की गर्मी हो, बेआब हो गया रेगिस्तान हो, और वहां तीन दिन की भूख प्यास, और उसमें आफ्ताब के चलने के साथ अटक का तूफान सैलाबी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है,
कदमों पर रख दिए हूँ। मुमकिन है अहले मराठी में से किसी ने नजम कर दिया हो, मेरी नजर मराठी को ज्यादा नहीं है, मगर मैंने रिवाज में नहीं देखा है, कहीं तारीख में नहीं देखा है कि अजीजों ने जाना चाहा हो और असाब ने कदमों पर सर रख दिए हो। मेरी नजर में नीला जमीर भी नहीं कबूल करता। करबला के इकदाम तकल्लुफात के मातहत नहीं हो रहे थे। मैं तो महसूस करता हूँ कि ये निजाम मौला ने बटाने इमामत कायम किया था, गोया हुकुमन अजीज रोके गए थे कि देखो जब तक असाब में से एक भी है खबरदार तुम में से कोई मैदान में न जाए। और अब मैंने जो इस चीज को किया था आटा चीज के तैलाबी रफ्तार से अचट आगे बढ़े तो गोया मौला ये फरमा रहे हैं पुकार के अली अकबर तुम्हें क्या हाथ है कि कौशल पर जाके प्यास बुझा लो और मेरा अली प्यास है। मुस्लिम और सजा तक न लग रहे और इसीलिए करबला का प्यास अमल रसूल से मुख्तलिफ हो गया। अमीरुल मोमिनीन ने तराहत किए नहीं बजावा में कि रसूल का अमल यह था कि मैदान जंग में अजीजों को आगे रखते थे, सहाबा को पीछे रखते थे। करबला का मैदान वो पहला मुरक्का है जिसमें असाब आगे रखे गए, अजीज पीछे रखे गए, तो क्या मुझे रसूल का अमल मालूम है? और जिनके घर की बात थी मार अल्लाह इमान हुसैन सैम को मालूम नहीं था, मगर रसूल के साथ के जिहादों में और करबला में फर्क था। रसूल के जिहादों में मालूम था कि कुछ शहीद होंगे कुछ बच जाएंगे, तो वहां अगर असाब आगे रखे जाते तो इसका मतलब यह था कि गैरों को कटवाना है अपनों को बचाना है। करबला में ये तो तय सुधा था कि बचना किसी को नहीं। जाना तो सबको, इम्काना के आयात तो सबे आतूर के खुतबे से खत्म किए जा चुके थे। अब ये तय पा गया कि नहीं सब एक ही मंजिल की तरफ जाएंगे। अब सूरत वाकया यही है जिसको अब इन लफ्जों में अर्ज कर रहा हूं कि जो पहले चला गया उसकी मसाफत मुसीबत मुख्तसर हो गई और जो देर तक रहा उसको शिद्दत वक्त का मुकाबला ज्यादा करना पड़ा। हम यहां तस्वीर इस नुकते नजर से है एक जिससे कम मुकाबला कराना है मसाइब का उसे पहले भेजा जाएगा, तो अभी आ रहा है तो अभी जाए, क्योंकि मौला के दिन पर सुझाव है कि जब मुखालिफ फौज का सरदार होकर आया था तब तो हमने पानी पिला दिया और अपना दोस्त आकर होकर आया है तो एक दुराए आम ने कि मेहमान की लियाकत हो सके, तो इसलिए मौला के पैसे नजर ही है कि जब पानी पिला नहीं सकते तो प्यासा भी तो रखे, लिहाजा अभी आया है तो अभी जाए।
लेकिन अजीब खाते चाहिए खातुन खा था साथ जोड़कर कभी भी गाय जरूरत तक मौजूद नहीं। अब उस मामले साहिदी जरूरत तक मौजूद है कई दिन में दुलाई है रखी जरूरत तक मौजूद है और जब तक असाम में जो एक भी है तब तक अजीज कोई न जाए। जब अजीजों की बारी आए तो दूर के अजीज पहले चले जाए औलाद यकीन पहले चली जाए औलाद जाफर पहले चली जाए अब्बास के और भाई पहले चले और जब और कोई भाई रही न जाए तो मजबूरन अभी फसले अब्बास जाए बोलाए आज वो हाल हज नहीं करना वो इंशाल्लाह 8 मुहर्रम को और कवियल जवान अली अकबर रिवायत मशहूर के मुताबिक वो अब्बास के भी बात और याद रखिए कि मेयार सब्र यही है वो गलत से सब्र है कि मेयार सब्र यह कि वो ही नहीं मेयार सब्र यह नहीं है कि इमाम तौफ हैं मरतिया कहें नौहा पढ़े ये मेयार सब्र लोग समझते हैं इमाम की कहने से मेरे नजदीक मेयार सब्र यह नहीं है मेरा जो सब्र यह है कि देखो जो कासिम की राख ला रखा वो अब अली अकबर को जाने से रोकता तो नहीं है वरना जो गम का असर है वो तो हो ही रहा गम का असर होना मेरे सब्र के खिलाफ नहीं है कारनामे में कमजोरी पैदा होना ये मेरे सब्र के खिलाफ है तो सब ये बात मत आएगी आज आपको मालूम है कि क्या ज्यादा है अली अकबर का हाल हमारे यहां जो तरती व्यवस्थे लिहाज थे आज इसके अंदाजे का हाल है अंदर तो बेहतर अली अकबर का असर इमाम पर जो हुआ है यकीनन किसी गम का नहीं हुआ तो मैंने कहा कि मेयार सब्र ये नहीं कि असरात गम मुरत्तब हैं बखुदा असरात गम तब्दीली तौर पर बड़े मुरत्तब हैं और ये असरात गम नहीं है ये वो शहीद का तआल्लुक है। अभी इब्न मुज़ाहिर जब घोड़े से गिरे तो तारीख में कि बामिल इंकिसार हो अदा वजीर होता है मौला के चेहरे पर शिकस्तगी के आता है नमूदार हो गए अब हम समझे कि हबीब जो थे वैसा कोई और नहीं था और आपको मालूम है 57 बरस की उम्र में मौला की कुव्वत क्या थी हुजूर ये कुव्वत थी खैर जब तक असाब दुनिया से जा रहे थे तब तक चुला के मौला ने उसको आई किसी की लाश को मैदान में नहीं छोड़ा अरे वो ईमान की लाश का लाने वाला कोई नहीं था कम बयान होते हैं इसलिए ख्याल होता है कि मुफ्ती नहीं है अलग
कि मेरे यहाँ यह आपकी तवज्जो है कि आप देखिए कि बुका हो रही है या नहीं, मगर ये समझते कि ये मुक्ति क्या है। तो इमाम ने किसी की लाश को मैदान में नहीं छोड़ा, एक खेमा बनाया कि वहां एक एक लाश को बुला के मुरतब करके एक के पहलू में एक उसको इमाम अपने सामने ले जाते थे और फिर जब सब पूरी हो गई, यानी जैसे एक नमाज जमात शहादा, इमाम अपनी पेशवाई में वो कायम कर रहे थे कि शहीदों की सब पूरत करते थे, चल इमाम मुसलसल था। और उसके बाद एक और लाश आई, अब मसलन ये सिलसिला होती हो गया, जगह नहीं रही, तो अब इसको तरतीब के साथ ऊपर रख दिया, यानी अब और ताबूत तो मुयस्सर नहीं होगा, ये जाके ही मसूरत ताबूत हो जाए। तो ईमान ने सूरत को सबकी लाशें उसको आई थी, तो सबकी लाशें उसको आई, मगर जब दिल के टुकड़ों की बारी आई तो बस अब इम्तियाज ये बनता है कि खुद उठाई, उस वक्त तक लाशें उठवाई और अब फरजंदान यकीन गए, फरजंदान जाफर गए तो खुद लाशें उठाई। और अब जो बात शुरू की थी मैंने, 57 बरस की उम्र में मौला के हुए कि यूं अहले मराठी ने हमारे लगन कर दिया हो, मगर अर्जुए तारीख अर्जुए कुतुब मोतबरा सिवा जनाब कासिम के सब हद्दे बुलू तक थे, बच्चा भर जनाब कासिम थे, इन मानी में बच्चा के नाबालिग, वरना जितने थे सब नौजवान जवान थे, सबकी लाशें खुद उठाई। और 57 बरस की उम्र में कुव्वत ईमान की यह थी कि जवान की लाश उठाते थे और लाश को लिए हुए घोड़े पर सवार हो जाते थे। बजाय तो पर मुसीबत भी बयान हो रही, लाश को लिए हुए घोड़े पर सवार हो जाते थे, मगर अब मौला की कुव्वत पर रास्ता रास्ता असर क्या पड़ रहा है कि जब कासिम ने सजा दी वो हाल तो कल बयान हुआ, लेकिन इस नफरत से ये जुर्म बयान करना है कि जब कासिम ने सजा दी और इमाम लाश पर गए तो अरे नाबालिग बच्चा तू ऐसा किसम, मगर अब मौला से घोड़े पर बैठा नहीं गया, अरे आप इतना ही नहीं बल्कि समर सीधी नहीं हो रही है, लाश को लिए हुए चल रहे हैं मगर जमीन पर पड़े खिसते जाके, माशाल्लाह काजरों को मिलेगा। तो ये तो कासिम के वक्त पर हुआ, अली अब्बास की आवाज आई कमर सामनी, लाल इंकसर रही, अब मेरी कमर टूट गई, मगर अब है अली अकबर, अब पूरा हाल तो करना मुझे उम्मीद नहीं कि मेरी ताकत रफा करेगी, मगर चल पहलू कि अली अकबर अब करते बाबा अब मुझे इजाजत दो, तो मैं कहता हूँ हरेक से सराहतन कह दिया है कि जाओ, इसने बिहार हरेक लेता था, हरेक से कह देते थे कि जाओ, अली अकबर को रोक तो नहीं सकते थे, देखना तो है, मगर मुझे तो यही लफ्जें मिलती हैं कि जबान से कहा नहीं गया कि जाओ, बस
इधर अली अकबर ने कहा जाम है, उधर हाथ उठा दिए खुदा की बारगाह में, अल्लाहुम्म खैर मैं तो यही कहूंगा कि आप हिम्मत ही नहीं थी।